हेलो एवरीवन, माय सेल्फ कमलेश चौधरी, फिजिक्स फैकल्टी, सीएलसी सीकर। आज हम जेई मेंस 2020 8 जनवरी सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है उसका फिजिक्स का पार्ट जो है उसको डिस्कस करना जा रहे हैं। उसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है। इसके अंदर एक वायर को बोल रखा है, वायर है ए बी, फिर यहाँ से डी तक, फिर एक सर्कुलर लूप लेके वो डी टू सी इधर एक वायर जा रहा है। इस सेगमेंट की वजह से टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम इसको तीन पार्ट में कंसिडर करें, पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री। इन तीनों पार्ट की वजह से हम अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करके ऐड करना चाह रहे हैं। पार्ट वन जो है वो वायर एक सेगमेंट है, वो वायर सेगमेंट इस सेंटर पर एक एंड इस तरफ एंगल बना रहा है, जिसको अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें तो ये एंगल एक तरफ अल्फा आ जाएगा, जिसकी वैल्यू 45 यहाँ पे मिलेगी। दूसरा एंगल इधर वाला जो एंड है, ये एंगल अपने पास एंगल बनाएगा बीटा, और बीटा की वैल्यू यहाँ पे 90 हो जाएगी। तो इस फर्स्ट पार्ट की वजह से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लिखें तो फर्स्ट पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4πr परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आर, और एक एंगल साइन अल्फा जो है दोनों एक तरफ होने की वजह से एक वैल्यू को नेगेटिव लेना है। तो साइन अल्फा के करस्पॉन्डिंग साइन 90 1/√2, और दूसरे वाले के करस्पॉन्डिंग साइन 90 की वैल्यू जो हो जाएगी वो 1। अब ये पहला मैग्नेटिक फील्ड आया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन करंट अपवर्ड है, तो हम बोल सकते हैं कर्ल लेता हुआ इनसाइड होगा। तो इस सेगमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आया इनसाइड, पहले पार्ट की वजह से। दूसरा जो वायर सेगमेंट है, इस वायर सेगमेंट की वजह से एक तरफ जो एंगल अल्फा और दूसरी तरफ जो एंगल बीटा बनेगा, दोनों की वैल्यू अलग अलग होने की वजह से, अलग अलग साइड होने की वजह से, अल्फा की वैल्यू 45 पॉजिटिव लेनी है, बीटा की वैल्यू 90 वो भी पॉजिटिव लेनी है। तो जो सेकेंड पार्ट है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हम लिख सकते हैं म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4πr, और साइन अल्फा 1/√2 दूसरे वाले सेगमेंट की वजह से, प्लस साइन बीटा जिसकी वैल्यू 1। ये मैग्नेटिक फील्ड हुआ करंट इस साइड में, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, आउटसाइड डॉट, ये दूसरे पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। तीसरा सर्कुलर जो पार्ट है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हम लिखें, तो बी थ्री की वैल्यू है म्यू नॉट सर्कुलर पार्ट की वजह से म्यू नॉट आई बाई 2r। तो ये मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर पार्ट की वजह से आउटसाइड, तो इसकी डायरेक्शन डॉट। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इन सब का वेक्टर एडिशन कर दें, फर्स्ट सेकंड प्लस थर्ड पार्ट। अब दो की डायरेक्शन सेम है, डॉट एक की डायरेक्शन है क्रॉस अपोजिट है, तो इन दोनों का एडिशन और इसका सब्ट्रैक्शन अगर हम करेंगे तो यहाँ पे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू म्यू नॉट आई बाय 2πr 1 + 1/√2 ये वैल्यू आ जाएगी, और ये वैल्यू आएगी आउटसाइड। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो हो जाएगा वो फर्स्ट पार्ट हो जाएगा इसके अंदर, यहाँ पे पाई, ये फर्स्ट पार्ट सेकेंड इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में एक ट्रांसवर्स वेव हमें दे रखी है। ट्रांसवर्स वेव जो है उसके अंदर जब टेंशन फोर्स 2 पॉइंट, यहाँ पे एक्चुअल में ये 2.06 है, 2.06 इंटू 10⁴ न्यूटन है, तो उस टाइम पर वेलोसिटी वी दे रखी है। अब पूछा हुआ है कि वेलोसिटी अगर हाफ कर दें तो उसके लिए टेंशन फोर्स कितना रिक्वायर्ड है। तो ट्रांसवर्स वेव के अंदर वेलोसिटी हम लिखते हैं वी इक्वल्स टू √T बाय म्यू, वेलोसिटी √T के प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर वेलोसिटी हाफ है, हाफ करनी है, तो उसके लिए टेंशन फोर्स हमें 1/4 करना पड़ेगा। तो जो भी गिवन वैल्यू है उसका 1/4, 2.06 इंटू 10⁴ न्यूटन का 1/4, ये टेंशन फोर्स हमें रिक्वायर्ड है वेलोसिटी हाफ करने के लिए। तो इसका जो 1/4 पार्ट आ जाएगा, 1/4 पार्ट अगर देखोगे तो 5.15 इंटू 10�³ न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक पार्टिकल दे रखा है एम मास का, और चार्ज है उस पर क्यू, और इसको रिलीज किया है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, और वो इस पर फोर्स लगा रहा है, स्पीड इसकी वी है, वो डिस्टेंस के साथ साथ वेरी हो रही है। तो इसकी स्पीड का डिस्टेंस के साथ ग्राफ कैसे होगा। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो हम बोल सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, और अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो हम न्यूटन्स इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। न्यूटन्स इक्वेशन के अकॉर्डिंग वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट से स्टार्ट किया तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो इक्वेशन होगी उसमें वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, जो यहाँ पे एक्स से रिप्रेजेंट किया हुआ है, वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एक्स, और वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एक पैराबोला, हॉरिजॉन्टल पैराबोला, और हॉरिजॉन्टल पैराबोला के अकॉर्डिंग थर्ड इसमें आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक इलेक्ट्रॉन का मास दे रखा है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है, एक्स एक्सिस में भी है, वाई में भी है,
और एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो जेड एक्सिस के अलोंग, नेगेटिव जेड एक्सिस के अलोंग है, और इलेक्ट्रॉन है तो हम बोल सकते हैं कि फोर्स पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलोंग होगा. तो इसकी इनिशियल वेवलेंथ लैम्डा है, डी ब्रोगली वेवलेंथ. तो हमें कैलकुलेट करना है कि इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ आफ्टर टाइम टी कितनी हो जाएगी. तो इनिशियल डी ब्रोगली वेवलेंथ लिखे तो इनिशियल डी ब्रोगली वेवलेंथ हम बोलेंगे लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन मोमेंटम, एच अपॉन पी. तो एच अपॉन मोमेंटम लिखे, वेलोसिटी इनिशियल है v नॉट i कैप प्लस v नॉट j कैप, तो उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा रूट टू v नॉट के इक्वल. तो ये इनिशियल डी ब्रोगली वेवलेंथ इसकी भी. अब t टाइम के बाद डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं एट टाइम t. तो इसकी वेलोसिटी एट टाइम t पर इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट, तो v इक्वल्स टू u प्लस at अप्लाई कर सकते हैं. तो वेलोसिटी हो जाएगी इसकी v नॉट i कैप प्लस v नॉट j कैप प्लस एक्सेलरेशन, इलेक्ट्रॉन है क्यू ई फोर्स डिवाइड बाय मास, इसका एक्सेलरेशन इनटू टाइम टी. ये जेड एक्सिस में वेलोसिटी हो जाएगी टी टाइम के बाद. अब वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ले लें तो टी टाइम पर जो इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो गया एक्स कॉम्पोनेंट स्क्वायर वाई कॉम्पोनेंट स्क्वायर प्लस जेड कॉम्पोनेंट स्क्वायर ई स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइड बाय एम स्क्वायर. इसकी वेलोसिटी है आफ्टर टाइम टी. तो अगर इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ लिखें अब टी टाइम पर, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ हो जाएगी एच अपॉन पी. तो एच अपॉन पी, पी को लिख दे एम इनटू वेलोसिटी, ये इसकी वेलोसिटी थी, रूट ऑफ टू वी नॉट स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइड बाय एम स्क्वायर. अब पहले वाली वेवलेंथ हमें पता है डी ब्रोगली वेवलेंथ एच अपॉन एम रूट 2V. अब दोनों को अगर डिवाइड कर दें, वहां से लैम्डा टी डिवाइड बाय लैम्डा नॉट, दोनों को डिवाइड किया तो उससे एच बाय एम कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो वैल्यूज बचेगी उन वैल्यूज में रह जाएगा यहाँ पे 1 बाय रूट ऑफ वी नॉट स्क्वायर से भी डिवाइड किया 2 वी नॉट स्क्वायर से, तो ये 1 प्लस ई स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 वी नॉट स्क्वायर, ये वैल्यू रह जाएगी. तो टी टाइम पर डी ब्रोगली वेवलेंथ इसको ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टी टाइम पर डी ब्रोगली वेवलेंथ की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे. एक मास का टर्म है यहाँ पे, तो मास वाला टर्म इसमें ये एम स्क्वायर यहाँ पे. तो टी टाइम के बाद डी ब्रोगली वेवलेंथ की वैल्यू ये थर्ड हो गई. नेक्स्ट, तो इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक पार्टिकल की पोजिशन जो है टाइम के साथ साथ वेरी हो रही है, कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप. हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में पूछा हुआ है, तो पोजीशन को डिफरेंशिएट किया तो इसकी वेलोसिटी जो आ जाएगी किसी भी टी टाइम पर, कॉस दे रखा था डिफरेंशिएशन आ गया साइन ओमेगा टी माइनस का और आगे ओमेगा मल्टीप्लाई हो गया आई कैप, साइन का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस तो प्लस ओमेगा आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस ओमेगा टी जे कैप. तो ये तो हो गई इसकी वेलोसिटी. एक्सेलरेशन के लिए इसको फर्दर डिफरेंशिएट कर दिया तो एक्सेलरेशन आ जाएगा साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी, लेकिन ओमेगा आगे और मल्टीप्लाई होगा तो माइनस पहले से चल रहा था ओमेगा स्क्वायर आई कैप प्लस डिफरेंशिएशन ओमेगा स्क्वायर, लेकिन ये कॉस है कॉस का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी जे कैप. अब इसके अंदर पूछा हुआ है कि किस तरह से इनके बीच में रिलेशन है, तो यहाँ पर देखोगे तो इस एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ओमेगा स्क्वायर कॉमन लेने के बाद, बाकी जो वैल्यू लिखी हुई है वो पोजीशन ही लिखी हुई है तो आर. दूसरा, अगर वेलोसिटी डॉट एक्सेलरेशन करोगे तो यहाँ पे वी डॉट ए की वैल्यू डॉट करने पर ये साइन कॉस ओमेगा क्यूब प्लस का साइन कॉस ओमेगा क्यूब माइनस डॉट करेंगे तो ये वैल्यू जीरो मिलेगी. सेम ऐसे ही अगर हम वी डॉट आर करेंगे तो वी डॉट आर करने पर भी हमें ये वैल्यू जीरो रिसीव. तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर वेलोसिटी एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर, वेलोसिटी पोजीशन परपेंडिकुलर है और पोजीशन और एक्सेलरेशन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है. अब यहाँ पर ये फर्स्ट ऑप्शन अगर देखें तो फर्स्ट ऑप्शन में बोला था कि वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर एंड एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन. तो ओरिजिन पोजिशन जो थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो अलॉन्ग ओरिजिन हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग बोल सकते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है. नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक लॉजिक गेट दे रखे हैं, इन लॉजिक गेट के अंदर इनपुट दे रखा है 1 और 0, उस 1 और 0 के करस्पॉन्डिंग पूछा है कि आउटपुट क्या रिसीव होगा. तो हर एक एलिमेंट के बाद देखते जाते हैं, तो 1 इनपुट था, नॉट गेट लगाया तो यहाँ पे 0 रिसीव हुआ,
जीरो इस वाले एंड पे भी जीरो ही मिला, और ये जो जीरो आगे आया इसको यहाँ पे वन कन्वर्ट कर दिया नॉट गेट ने। अब जीरो जीरो नैंड गेट के अंदर अगर एंटर करेगा तो जीरो जीरो नैंड गेट के अंदर हमें आउटपुट दे देगा वन, और ये जो वन आउटपुट है यहाँ पे इनपुट की फॉर्म में आया, लेकिन जीरो और वन को जो नैंड गेट है वो हमें करके दे देगा, एंड गेट होता तो वो दे देता जीरो, नॉट लगा हुआ है तो हमें वन आउटपुट करके दे देगा, तो ये यहाँ पे हमें वन मिला। तो ये ही वन यहाँ पे इनपुट दिया हुआ है, तो वन और वन के करस्पॉन्डिंग नैंड गेट जो है वो हमें जीरो आउटपुट दे देगा, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में एक पार्टिकल जो है एम मास का है उसको ड्रॉप किया हुआ है किसी हाइट एच से, और कुछ टाइम के बाद मतलब सेम टाइम पर एक दूसरे पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया है और उसकी वेलोसिटी दे रखी है रूट टू जी एच। अब इसमें दोनों के बीच में हेड ऑन लास्ट कम्प्लीटली इन लास्ट कोलिजन होता है, मतलब कोलाइड होने के बाद दोनों आपस में चिपक रहे हैं, तो ये पूछा हुआ है कि ये ग्राउंड पे कितने टाइम के बाद हो जाएगा, कोलिजन के बाद कितने टाइम बाद ग्राउंड पे आ जाएगा। तो ये जैसे इनके बीच में हाइट है, यहां से एक को थ्रो किया रूट टू जी एच से और सेम इंस्टेंट पे दूसरे को ड्रॉप किया हुआ है, तो पहले तो ये कैलकुलेट कर लें कि ये दोनों कितने टाइम के बाद आपस में एक दूसरे से कोलाइड होंगे। तो कोलिजन का टाइम कैलकुलेट करने के लिए रिलेटिव लगा दिया हमने, ये हाइट एच दे रखी थी, तो अगर हम रिलेटिव लगाएं तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी रूट टू जी एच, और रिलेटिव जो एक्सेलरेशन आएगा वो जीरो आ जाएगा। तो हम टाइम कैलकुलेट करने के लिए सीधा डिस्टेंस अपॉन जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो लिख सकते हैं रूट टू जी एच। तो यहां से ये वो टाइम आया जब दोनों कोलाइड होंगे, तो कोलाइड होने का जो टाइम आ गया ये आ गया रूट एच बाय टू जी, ये कोलाइड होने का टाइम आया। अभी हमें कैलकुलेट करना है कि ग्राउंड पे कब पहुंचे, तो दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है उसका मोशन देख लें, क्योंकि कोलाइड होने के बाद दोनों आपस में चिपक जाएंगे, तो सेंटर ऑफ मास उसी फ्रेम से उसी वेलोसिटी से आगे तक मूव कर रहा होगा। तो इनके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गया एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू डिवाइड बाय टोटल मास 2m। तो इनके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हो गई रूट 2gh डिवाइड बाय 2। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास दोनों का एक्सेलरेशन सेम है g डाउनवर्ड, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड। और सेंटर ऑफ मास की जो हाइट है दोनों की, इनिशियली सेंटर ऑफ मास की जो हाइट है दोनों का मास सेम है तो बिल्कुल मिड में बोल सकते हैं, तो सेंटर ऑफ मास की जो इनिशियल हाइट है वो इनिशियल हाइट हम बोल सकते हैं h बाय 2 के इक्वल। अब ग्राउंड पे पहुंचना है तो ग्राउंड पे पहुंचने के लिए h बाई 2 इनिशियल हाइट से ऊपर की ओर जाके जब ग्राउंड तक आएगा तब तक न्यूटन्स इक्वेशन अगर हम लगा दें तो न्यूटन्स इक्वेशन के अकॉर्डिंग s डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव s इक्वल्स टू यू टी इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इस इक्वेशन से हम टाइम की वैल्यू कैलकुलेट करें और इस टाइम की वैल्यू में से, ये टाइम की वैल्यू जो भी आएगी इस टाइम की वैल्यू में से अगर ये टाइम हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये टाइम वो था जिससे ये ऊपर जाके ग्राउंड पे आएगा, ये वो टाइम था जब ये कोलाइड हो रहे थे, तो कोलिजन के बाद कितना टाइम लगेगा, तो कोलिजन के बाद का टाइम हम बोल सकते हैं टी टू माइनस टी वन। तो कोलिजन के बाद टी टू माइनस टी वन के बाद ये ग्राउंड पे पहुंच जाएगा और इसकी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करके देखेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी थ्री बाय टू रूट एच बाई जी के। और क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि रूट एच बाई जी का कौन सा फैक्टर होगा, तो रूट थ्री बाई टू आ जाएगा। नेक्स्ट, तो इस वाले क्वेश्चन में दो लिक्विड दे रखे हैं डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटी रो वन रो टू के, रिलेशन दे रखा है कि जो रो टू लिक्विड है नीचे वाला लिक्विड उसकी डेंसिटी डबल है ऊपर वाले कंपेरिजन में, तो इसको डेंसिटी अगर रो ले लें ये टू रो डेंसिटी है, लिक्विड की हाइट फाइव जो है उसको एच कंसिडर कर लेते हैं अभी के लिए कैलकुलेशन के हिसाब से, और इस वाले पार्ट पे फोर्स कैलकुलेट करने के लिए इसके सेंटर पे प्रेशर इनटू एरिया लिख सकते हैं। तो ऊपर वाले पार्ट एम एन पे जो फोर्स लगेगा उस फोर्स को लिख सकते हैं उसके सेंटर पे प्रेशर, सेंटर पे प्रेशर आ जाएगा रो जी एच बाई टू इनटू उसका जो भी एरिया होगा टोटल एम एन का एरिया। सेम इसी तरह से नीचे वाला जो एन ओ पार्ट है उस पर फोर्स कैलकुलेट करने के लिए उसके सेंटर पे प्रेशर, तो इसके सेंटर पे प्रेशर आ जाएगा इसकी वजह से रो जी एच प्लस टू रो जी एच बाई टू, तो इसके सेंटर पे प्रेशर आ गया रो जी एच प्लस टू रो जी एच बाई टू इंटू एरिया। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये आ रही है टू रो जी एच ए के इक्वल। अब दोनों का रेशियो पूछा हुआ है तो एफ एम एन रेशियो एफ एन ओ ये वैल्यू आ जाएगी, वो हाफ था ये टू है तो ये रेशियो वन बाय फोर आ जाएगा। नेक्स्ट,
नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में दो चार्ज मेटेलिक स्फेयर है S1 S2 और उनका जो रेडियस दे रखा है R1 R2 दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 E2 दोनों की सरफेस पे जो है उसके लिए बता रखा है कि E1 बाई E2 जो है वो R1 बाई R2 रेडियस के रेशियो में। तो पूछा हुआ है कि रेशियो पोटेंशियल का इनका रेशियो क्या होगा। तो जब हम किसी स्फेयर की सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है K³/R² और जब किसी स्फेयर की मेटेलिक स्फेयर की सरफेस पे पोटेंशियल लिख रहे हैं तो पोटेंशियल हो जाता है K³/R। तो इनका जो रेशियो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड बाय पोटेंशियल का रेशियो, तो ये रेशियो लेने पर यहाँ पे ये 1/R आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल जो है V वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू R के इक्वल है। तो इसकी वजह से जो V1/V2 होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी E1R1/E2R2। अब E1/E2 की क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है R1/R2, तो R1/R2 रखने पर ये वैल्यू हो जाएगी R1/R2². नेक्स्ट, तो ये हो गया थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में एक सिंपल पेंडुलम दे रखा है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी कैलकुलेट करने के लिए लेंथ पेंडुलम की ले रखी है 25.0 सेंटीमीटर। मीन्स इसके अंदर जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 सेंटीमीटर लेते हुए इसकी एरर लिखेंगे। तो पेंडुलम की जो लेंथ हो गई, लेंथ हम लिखेंगे 25.0 ± 0.1 सेंटीमीटर, ये पेंडुलम की लेंथ हुई। और जो टाइम पीरियड मेजर किया हुआ है वो 40 ऑसिलेशन का मेजर किया हुआ है 50 सेकेंड, और उसके अंदर एरर है 1 सेकेंड तक का। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में एरर पूछी हुई है, तो जी हम बोल सकते हैं 4π² L/T² के इक्वल सिंपल पेंडुलम में। तो इसके अंदर एरर कैलकुलेट करनी है तो फ्रैक्शनल एरर हम ऐड कर सकते हैं। तो ΔgG ΔLL + ΔT T2 ये एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड है, लेकिन हमें क्या है कि 40 ऑसिलेशन के लिए अंदर बोल रखा है। तो यहाँ पर ऊपर और नीचे अगर 40 ऑसिलेशन से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 40 ऑसिलेशन का टाइम पीरियड हो जाएगा और ये 40 ऑसिलेशन के अंदर एरर हो जाएगी। अब इनकी जो वैल्यूज दे रखी है ΔLL ये है 0.1/25 + 2, टाइम में एरर बोल रखी है 40 × ΔT, 40 ऑसिलेशन में एरर है 1 की और 40 ऑसिलेशन का जो टाइम है वो दे रखा है 50 सेकेंड। तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई 0.1/25 और 1/25, तो ये आ जाएगा 1.1/25। और परसेंटेज के अकॉर्डिंग अगर कैलकुलेट करेंगे तो परसेंटेज एरर जो आ जाएगी इसके अंदर, उस परसेंटेज एरर की वैल्यू आ जाएगी 1.1 × 4, मीन्स 4.4% के अराउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक LR सर्किट दे रखा है बैटरी के साथ और इसमें बोल रखा है कि T=0 to टाइम कांस्टेंट तक चार्ज होने में, मतलब तब तक में बैटरी से कितना चार्ज फ्लो हो जाएगा टोटल, इस टाइम ड्यूरेशन में बैटरी से फ्लो चार्ज कैलकुलेट करना है। तो LC ऑसिलेटर में जो करंट की वैल्यू है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होती हुई होगी। तो करंट हम बोल सकते हैं I=E/R, पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस, और एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता हुआ तो 1 − e⁻⁴ − t/τ, ये करंट की वैल्यू। अब चार्ज कैलकुलेट करना है तो करंट को हम लिख सकते हैं dQ/dt, चार्ज फ्लो कैलकुलेट करने के लिए। और dQ/dt इधर ला के इंटीग्रेट कर दें अगर, तो टोटल चार्ज फ्लो Q=, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं E/R, इंटीग्रेशन 1 का t, e⁻⁴ − e⁻⁴ का इंटीग्रेशन e⁻⁴ − t/τ, और −τ जो है वो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इसके अंदर वैल्यू आ जाएगी। और लिमिट इसके अंदर पुट करनी है 0 to τ, तो 0 to τ लिमिट पुट करें तो Q=, आ गया E/R τ + τ e⁻⁻−1, और 0 जब पुट कर रहे हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी −τ के इक्वल। तो यहाँ से चार्ज की वैल्यू जो आ गई वो Q=, आ रहा है E/R, ये कैंसिल हो गया, τ/E के बराबर ये वैल्यू आ रही। अब τ की वैल्यू होती है इसमें L/R के इक्वल, तो Q=E L/R² × E के इक्वल, और ये ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। तो ये इसके अंदर चार्ज फ्लो टोटल आ जाएगा। नेक्स्ट
नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, एक यूनिफॉर्म स्फेयर है जिसका मास दे रखा है 500 ग्राम और वो रोल हो रहा है एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे और विदाउट स्लिप हुए, तो उसके सेंटर की वेलोसिटी 5 दे रखी है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो कोई भी स्फेयर अगर रोल होता हुआ जा रहा है विदाउट स्लिप हुए, तो हम सबसे नीचे वाले पॉइंट के अबाउट इस पूरे को रोटेट होता हुआ कंसिडर कर सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। तो इसके करस्पॉन्डिंग इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी आ गई हाफ आई लोएस्ट पॉइंट के अबाउट ओमेगा स्क्वायर, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई हाफ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फेयर का होता है 2/5 एम आर स्क्वायर सेंटर के अबाउट, लोएस्ट पॉइंट के अबाउट आ जाएगा 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर पैरेलल एक्सिस फोरम से, और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी हम लिख सकते हैं लोएस्ट पॉइंट के अबाउट, अगर हमें सेंटर की वेलोसिटी पता है तो सेंटर की वेलोसिटी वी इक्वल्स टू ओमेगा आर हो जाएगा। तो ओमेगा को हम लिख सकते हैं वी बाई आर और इसका स्क्वायर। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई ये 7/5 और ये 2, तो 7/10 एम वी स्क्वायर ये इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी है। इसमें अगर वैल्यूज पुट करें तो 7/10 मास की वैल्यू है 500 ग्राम 0.5 और वेलोसिटी इसकी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तो 5×10⁻²⁰ स्क्वायर। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो इसकी जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी आ जाएगी और 10⁻⁴ के ऑर्डर, तो 25×7, तो ये इसकी वेलोसिटी यहाँ पर आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक गैल्वेनोमीटर दे रखा है जिसकी कॉयल का रेजिस्टेंस दे रखा है 100 ओम और फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए जो करंट है वो 1 mA दे रखा है। तो इसके अंदर हमें बताना है कि इसको एक वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है 10 वोल्ट वाले में, तो उसके लिए रेजिस्टेंस कितना चाहिए। तो इसके अंदर V इक्वल्स टू रिलेशन होता है IG RG प्लस R जो हम सीरीज में अप्लाई कर रहे हैं वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए। वो तो इस V की वैल्यू है 10, IG की वैल्यू है 1 mA, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर वो दे रखा है 100, हमें RS की वैल्यू पूछी हुई है, तो इसको इधर कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा 10,000 - 100 RS की वैल्यू, मीन्स 9,000 ओम रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड है सीरीज में इसके अप्लाई करेंगे, 9,900 ओम रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड है जो आ जाएगा यहाँ पे 3rd 9.9 kΩ। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक मिक्सचर दे रखा है n मोल हीलियम और 2n मोल ऑक्सीजन का, तो इसके CP/CV की वैल्यू कैलकुलेट करनी है मिक्सचर का। तो मिक्सचर का CP/CV की वैल्यू हो जाएगी n1 CP1 + n2 CP2 डिवाइड बाय n1 CV1 + n2 CV2। वैल्यूज गिवन है n1 हीलियम के लिए ले लें, हीलियम के लिए CP की वैल्यू होती है 5/2R प्लस n2 ऑक्सीजन 2n मोल्स दे रखे हैं, इसके लिए CP की वैल्यू होती है 7/2R डिवाइड बाय n1 CV की वैल्यू हीलियम के लिए है 3/2R ऑक्सीजन के लिए इसकी वैल्यू है 5/2R। तो इससे हम कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू आ जाएगी 14 + 5 = 19 डिवाइड बाय 10 + 3 = 13, तो इसमें CP/CV की वैल्यू आ जाएगी 19/13 थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक कैपेसिटर है, दो स्क्वायर प्लेट्स जो है उनसे मिलके बनाया हुआ है और साइड लेंथ जो है वो ए बता रखी है और वेरी स्मॉल एंगल अल्फा बता रखा है इसमें। तो इसमें बता रखा है, इसमें कैलकुलेट करना है कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है। तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने के लिए अल्फा बहुत स्मॉल बोल रखा है, तो इसलिए हम क्या करें कि इसमें कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने के लिए इसके मिड से सेपरेशन कंसीडर कर लें, इसके मिड से ही कंसीडर कर लेते हैं कि प्लेट्स के बीच में गैप कितना है। तो यहाँ पे गैप डी है, तो मिड पॉइंट पर ये जो वैल्यू है ये हो गया a/2। तो ये जो डिस्टेंस होगी ये डिस्टेंस आ जाएगी a/2 अल्फा के इक्वल। तो यहाँ पर प्लेट्स के बीच में मिड में सेपरेशन हो जाएगा d + a/2 अल्फा के इक्वल। तो कैपेसिटेंस इसका बोल सकते हैं c = εo a प्लेट्स का एरिया बाय d प्लेट्स के बीच में सेपरेशन। तो प्लेट्स के बीच में सेपरेशन हो गया d + a/2 के इक्वल। अब स्मॉल वैल्यूज है, d यहाँ से एक बार कॉमन लिया तो ये हो गया εo a² डिवाइड बाय d और जो बाकी वैल्यू थी उसको लिख दिया 1 + a α / 2 d की पावर -1।
स्मॉल वैल्यूज है, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर बाय डी 1 माइनस ए अल्फा बाय 2 डी के इक्वल, तो ये इसका कैपेसिटेंस हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन जो है वो इसका हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक स्फेरिकल कैविटी दे रखी है जिसका सेंटर दे रखा है ओ, और एक आर रेडियस का इसमें से पार्ट रिमूव किया हुआ है, सॉरी 1 रेडियस का, तो बड़े वाले की रेडियस आर थी, तो ये पूछा हुआ है कि जो रिमेनिंग पार्ट है उसका सेंटर जो है वो जी पर अगर लाई करे तो उसके लिए रेडियस में क्या रिलेशन होना चाहिए। मतलब इस कैविटी का जो सेंटर है वो तो ओ, पूरे स्फेयर का सेंटर सी दे रखा है, लेकिन जो अब बचा हुआ पार्ट है उसका सेंटर ऑफ मास जी पे लाई कर रहा है। अब इसके लिए इसका जो सेंटर ऑफ मास है, अगर हम इसको 0.0 कंसीडर कर लें तो जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा वो आर माइनस 1 पे होगा, और जो कैविटी है मतलब जो रिमेनिंग टोटल सेंटर ऑफ मास है इसका, उसको हम बोल सकते हैं कि आर 2 में से आर सब्ट्रैक्ट कर दें, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 2 माइनस आर नेगेटिव 0, ये इनके कोऑर्डिनेट्स। अब सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने के लिए हम ये बोल सकते हैं कि इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा एक्स सी एम इक्वल्स टू, हम बोल सकते हैं कैपिटल पूरे कंप्लीट स्फेयर का मास और उसका सेंटर ऑफ मास प्लस जो पार्ट रिमूव किया है उसके लिए नेगेटिव मास लेते हुए हम बोल सकते हैं उस रिमूव किए हुए पार्ट का मास और उसका सेंटर ऑफ मास डिवाइड बाय जो भी टोटल मास है इसका m माइनस m के इक्वल, ये कंसीडर कर सकते हैं इसमें। तो इसमें एक्स सी एम की वैल्यू है माइनस 2 माइनस r इक्वल्स टू, पूरे स्फेयर का मास कैलकुलेट करने के लिए डेंसिटी कंसीडर कर लेते हैं, रो डेंसिटी है और स्फेयर है तो इसका वॉल्यूम होता 4/3 πr³, ये मास, और इसका सेंटर ऑफ मास 0 पे, फिर प्लस ये पार्ट जो है वो रिमूव करना है इस 1 रेडियस का, तो इसका मास हम लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम हो गया इसका 4/3 π³, और इसका जो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है वो है r माइनस 1 पे डिवाइड बाय दोनों के मास का डिफरेंस, तो रो 4/3 π r³ माइनस रो 4/3 π 1³ होगा। इसको जब सिंपलीफाई करते हैं तो फाइनली हमें जो रिलेशन मिलेगा रेडियस में वो कुछ इस तरह का रिलेशन मिल जाएगा, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 आर 2 माइनस आर इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पार्ट डिफरेंस दे रखा है जो दोनों स्लिट्स हैं उनके बीच में 1/8 ऑफ वेवलेंथ, तो पूछा हुआ है कि इंटेंसिटी लाइट की सेंटर पे जो मैक्सिमम होगी उसके कंपैरिजन में कितनी होगी। तो इंटेंसिटी इंटरफेरेंस के अंदर दोनों सोर्स अगर आइडेंटिकल है तो इंटेंसिटी हम बोल सकते हैं मैक्सिमम इंटेंसिटी का कॉस स्क्वायर 5/2 के इक्वल। अब इंटेंसिटी ये कैलकुलेट करनी है डिवाइड बाय आई नॉट, तो ये आ गया कॉस स्क्वायर 5 हम लिख सकते हैं 2π/λ इन टू पार्ट डिफरेंस है 1/8 ऑफ वेवलेंथ डिवाइड बाई 2, तो लेमडा कैंसिल, तो ये आ जाएगा π/8, तो इनका रेशियो आ गया I/I0 इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर π/8, और कॉस स्क्वायर π/8 को हम लिख सकते हैं 1+cos π/4 डिवाइड बाय 2, तो इनकी वैल्यूज आ गई 1+π/4 1/√2 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पर अब इससे अगर वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये हो गया 1+0.707 डिवाइड बाय 2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.853 के अराउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है फोकस पॉइंट से कॉन्केव मिरर का फोकस पॉइंट दे रखा है, उससे अवे जा रहा है, तो उसके अंदर इसका मैग्निफिकेशन का डिस्टेंस के साथ वेरिएशन किस तरह से होगा वो बता रखा है। तो एक कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर के फोकस पे एक पार्टिकल रखा हुआ है और वो यहाँ से अवे मूव कर रहा है, तो इसका मैग्निफिकेशन, तो इनिशियली जब ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो उस वाले टाइम पर इसकी इमेज बनती होगी इनफाइनाइट पे, तो मैग्निफिकेशन हम बोलेंगे वी बाई यू मिरर के अंदर माइनस, तो यहाँ पर जो इनिशियल मैग्निफिकेशन है ऑब्जेक्ट काफ़ी लार्ज होने डिस्टेंस पे होने की वजह से मैग्निफिकेशन हम बोल सकते हैं इनफाइनाइट के अराउंड है, लेकिन जैसे जैसे ये अवे मूव करता जाएगा इमेज इसी की तरफ मूव करती रहेगी तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू कम होती जाएगी, और जब ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे पहुंच जाएगा
तो इमेज फाइनली फोकस पे आएगी, तो जो मैग्नीफिकेशन हो जाएगा वो जीरो के अराउंड आने लग जाएगा। तो मैग्नीफिकेशन का वेरिएशन तो बोल सकते हैं कि इनफाइनाइट से जीरो, जब पोजिशन का वेरिएशन फोकस टू इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, तो इस तरह का ऑप्शन यहाँ पे ग्राफ के अकॉर्डिंग हमें थर्ड दिख रहा है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हमें एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी दे रखी है 25 गीगाहर्ट्ज़, और ये इसके अंदर जेड एक्सिस के अलॉन्ग इसका मूवमेंट हो रहा है, तो हमें बताना है मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट इसके अंदर हमें बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रिलेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर कुछ इस तरह से हम दे सकते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस वेलोसिटी जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा। मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट दे रखा है 5×10⁻⁸ J कैप, और जो इसकी वेलोसिटी है वो 3×10⁸, और वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग दे रखी है के कैप। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट आ गया 15 I कैप के इक्वल, तो यहाँ पे अपना ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में एक कारनॉट इंजन की एफिशिएंसी बोल रखी है 1/10, और इसके अंदर जो वर्क है उसको 10 जूल के बराबर बता रखा है। तो ये पूछा हुआ है कि अगर इसको रेफ्रिजरेटर की जैसे वर्क करवा रहे हैं तो लोअर टेम्परेचर से ये हीट कितनी एब्जॉर्ब करेगा। तो जितना कारनॉट इंजन के अंदर हीट रिलीज कर रहा होगा सेम अमाउंट रेफ्रिजरेटर के अंदर एब्जॉर्ब कर रहा होगा। तो यहाँ पे इसने जो हीट कुछ रिसीव की होगी, इंजन की बात कर रहे हैं, और कुछ वर्क इसने आउटपुट की फॉर्म में दिया होगा, ये आउटपुट वर्क दे रखा है 10 जूल, और कुछ यहाँ पे हीट लो टेम्परेचर पे रिजेक्ट कर दी होगी Q2। रेफ्रिजरेटर के अकॉर्डिंग ये इनपुट हीट हो जाएगी लो टेम्परेचर से, तो Q2 की वैल्यू पूछी हुई है। एफिशिएंसी के अंदर हम बोलते हैं एफिशिएंसी इक्वल्स टू W/Q1, तो इसकी वैल्यू दे रखी है एफिशिएंसी की 1/10, W की वैल्यू दे रखी है 10, तो यहाँ से Q1 की वैल्यू आ गई 100 जूल। लेकिन पूछा Q2 की वैल्यू है, तो Q1 इक्वल्स टू W+Q2 होता है, तो Q1 की वैल्यू 100, W की वैल्यू 10, यहाँ से Q2 की वैल्यू आ जाएगी 90। सेम एनर्जी जब इसको इंजन की रेफ्रिजरेटर की जैसे काम कर रहे हैं तो ये रिसीव कर रहा होगा लो टेम्परेचर पे, तो ऑप्शन हो जाएगा अपना फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक सीरीज कॉम्बिनेशन दे रखा है दो बैटरीज का, जिनका वोल्टेज दे रखा है 10 वोल्ट, EMF इक्वल है, लेकिन जो दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 20 और 5 है, तो एक का 5 ओम 10 वोल्ट, दूसरे का 10 वोल्ट और 20 ओम रेजिस्टेंस है। अब इनको जो कनेक्ट किया हुआ है 30 और R के एक पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ कनेक्ट किया हुआ है, तो वोल्टेज डिफरेंस इनको कनेक्ट किया यहाँ पे एक रेजिस्टेंस 30 ओम और R के साथ। अब इसमें ये मेंशन किया हुआ है कि जो 20 ओम वाला रेजिस्टेंस है, 20 ओम वाली सॉरी बैटरी है, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल वोल्टेज जो है वो जीरो आ रहा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग आर की वैल्यू कितनी होगी। तो इसके अकॉर्डिंग इसके अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज होगा E-IR, और उसकी वैल्यू जीरो बोल रखी है 10-I, रेजिस्टेंस दे रखा है 20, तो यहाँ से करंट की वैल्यू आ जाएगी 1/2 एम्पियर। तो यहाँ से 1/2 एम्पियर करंट फ्लो होता हुआ जा रहा है, 1/2 एम्पियर करंट इसमें से फ्लो हुआ, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया वो आ गया 10-I 1/2 × R 5, तो ये यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आ गई, यहाँ पे जीरो है तो ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस यही हो गया, और ये पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हो गई 10-0.5 7.5 वोल्ट, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 7.5 वोल्ट। अब पोटेंशियल डिफरेंस 7.5 वोल्ट करंट यहां से फ्लो हो रहा था 1/2 एम्पियर, 7.5 वोल्ट इसके अक्रॉस भी वोल्टेज डिफरेंस है, तो इसमें से करंट की वैल्यू आ जाएगी I=V/R 7.5/30, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/4 एम्पियर के अराउंड। 1/4 एम्पियर करंट यहां पे है, 1/2 एम्पियर आ रहा था, हम बोल सकते हैं इधर भी 1/2 एम्पियर करंट 1/4 एम्पियर करंट जा रहा होगा, 1/2 डिवाइड हो चुका होगा, तो 1/4 एम्पियर करंट इसमें है, 1/4 एम्पियर करंट इसमें है, तो दोनों रेजिस्टेंस इक्वल होंगे तभी करंट इक्वल आ सकता है, तो इसलिए ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 30 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बामर सीरीज की जो हाइड्रोजन की फर्स्ट लाइन है उस फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ दे रखी है। फर्स्ट लाइन मीन्स n=3 से n=2 में जंप कर रहा है, बामर सीरीज है तो इसलिए n2 जो है उसको हम 2 लेंगे, जंप जो कर रहा है वो 3 से कर रहा है, इसलिए फर्स्ट लाइन बोल रखी है इसलिए। तो पूछा हुआ है कि जो सेकंड लाइन होगी उसकी वेवलेंथ क्या होगी,
तो फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ लिखे हैं तो 1 बाय लेमडा जिसकी वैल्यू गिवन है 6561 एंगस्ट्रम इक्वल्स टू आर, हाइड्रोजन के लिए बोल रखा है Z²1, 1 बाय N2² N4 माइनस 1 बाय N1² 9। तो ये वैल्यू यहाँ से आ रही है 5 बाय 36 आर के इक्वल, ये वैल्यू हुई। हमें पूछा हुआ है बामर सीरीज की सेकेंड लाइन, सेकेंड लाइन के लिए बामर सीरीज है तो इसलिए 2 जंप करके आ रही होगी 4 से, तो 1 बाय लेमडा इक्वल्स टू आर 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 4 का स्क्वायर 16, तो ये वैल्यू हो गई 16 4 12 और 16 × 4 आर की। अब दोनों का रेशियो अगर ले लें तो रेशियो लेने पर लेमडा डिवाइड बाय 6561 एंगस्ट्रम इक्वल्स टू 5 बाय 36 इंटू 12 बाय 16 × 4। तो ये वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी लेमडा इक्वल्स टू 4860 एंगस्ट्रम। लेकिन क्योंकि ऑप्शन पूछा हुआ है नैनोमीटर में तो इसको हम बोल सकते हैं 486 नैनोमीटर के अराउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में तीन कंटेनर है C1, C2, C3 जिनके अंदर लिक्विड अलग अलग बोल रखा है 1 लीटर 2 लीटर अलग अलग कंडीशन में, और इनको जब मिक्स कर रहे हैं तो मिक्स करने पर मिक्सचर का टेम्परेचर बता रखा है कि अगर C1, C2 को मिक्स करते हैं गिवन अमाउंट के साथ तो 60 डिग्री, C2, C3 को मिक्स कर रहे हैं तो ये अलग अलग कंडीशन दे रखी है। तो पूछा है कि जब तीनों में 1 1 लीटर लेके मिक्स करेंगे तो टेम्परेचर फाइनल कितना होगा। तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग इक्वेशन लिखें तो हम इक्वेशन बोल सकते हैं M1S1T1 + M2S2T2, अगर थर्ड भी है तो M3S3T3 डिवाइड बाय M1S1 + M2S2, और ये फाइनल टेम्परेचर कुछ T के लिए रिलेशन है। अब फर्स्ट वाले केस में कंटेनर फर्स्ट है सेकंड है तो मास जितना अमाउंट होगा वॉल्यूम होगा उसी के प्रोपोर्शनल होगा, स्पेसिफिक हीट सबकी सेम है तो उसको कैंसिल कर रहे हैं। तो फर्स्ट में 1 मास 1 यूनिट ले लिया, टेम्परेचर कुछ T1 है, सेकंड में मास है 2 T2, थर्ड है नहीं, डिवाइड बाय टोटल अमाउंट 3 इक्वल्स टू 60। सेकंड वाले के अंदर T2 यूज किया हुआ है तो 1 × T2 प्लस ट्वाइस ऑफ T3 डिवाइड बाय टोटल अमाउंट 3 इक्वल्स टू ये 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। थर्ड वाले के अंदर 2 T1 + T3 डिवाइड बाय 3 ये दे रखा है 60, और लास्ट में वो दे रखा है T1 + T2 + T3 डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू कुछ थीटा। अगर हम फर्स्ट सेकंड थर्ड अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें तो ऐड करने पर 3T1 3T2 3T3 मिलेगा डिवाइड बाय 3, तो ये रिजल्ट आ जाएगा तीनों को ऐड कर दें और डिवाइड बाय 3 कर दें तो फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को अगर हम ऐड करेंगे तो ये रिजल्ट हमें मिलेगा। तो तीनों को ऐड करने पर जो रिजल्टेंट आ जाएगा वो अपना आ जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में एक एस्ट्रॉयड जो है वो मूव कर रहा है डायरेक्टली टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ और इसकी डिस्टेंस 10 आर है अर्थ सरफेस से, तब इसकी स्पीड बता रखी है 12 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये पूछा हुआ है कि जब ये अर्थ पर पहुंच रहा है तो अर्थ की सरफेस पे पहुंचते टाइम पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो इनिशियल एनर्जी हम लिख दें इसकी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ½mu² + इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी -gmm/r 10 r के बराबर है सरफेस से डिस्टेंस, और जब ये अर्थ सरफेस पे पहुंचेगा तब इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई कुछ ½mv² और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी -gmm/r के इक्वल। एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर दें तो एनर्जी कंजर्वेशन से ये रिलेशंस आ जाएंगे ½mu² - gmm/10 r इक्वल्स टू ½mv² - gmm/r। अब इसमें जब डिफरेंस लें यहाँ पे तो ये वैल्यूज आ रही है v इक्वल्स टू आ जाएगा ½mu² यह आ जाएगा u² ½m कैंसिल कर दिया पूरे में, और इसमें जब डिफरेंस लेंगे तो ये डिफरेंस लेने पर वैल्यू आ जाएगी प्लस gm/r
1 minus 1 by 10, 9 by 10, लेकिन ट्वाइस करेंगे तो 9 by 5 आ जाएगा इसका रूट, तो ये फाइनली वेलोसिटी आएगी जिसमें 2 gm/r की वेलोसिटी है 11.2, ये दे रखा है 12 square प्लस 9 by 10 ही रख लिया क्योंकि 2 gm/r की वैल्यू है 12, 11.2 का स्क्वायर, इसका रूट करेंगे तो ये वैल्यू नियरली 16 km/s के अराउंड आ जाएगी। तो ये वेलोसिटी जब अर्थ सरफेस पे पहुंच रहा होगा तो उसकी वैल्यू। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में एक बॉल को ड्रॉप किया है 100 meter हाइट से और ये बोल रखा है कि लास्ट हाफ सेकेंड में ये 19 meter डिस्टेंस अगर कवर कर रहा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बताना है कितना है। तो अगर 100 meter हाइट से इसको ड्रॉप किया है तो 100 meter हाइट से ड्रॉप करने पर टोटल अर्थ सरफेस तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा, टाइम टी बोल सकते हैं हम, अंडर रूट 2h अपॉन जो भी इस सरफेस पे एक्सेलरेशन है वो a। और यहां पर लास्ट के 19 meter हाफ सेकंड में कवर किया है तो यहां तक का टाइम हो गया t माइनस हाफ और ये डिस्टेंस हो गई 19 meter कम 100 में से, तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि जो t माइनस हाफ है वो आ जाएगा रूट ऑफ 2 into 100 minus 19 बाय ए। ए की वैल्यू पूछी है, दोनों का डिफरेंस लिया तो डिफरेंस लेने पर ये वैल्यू आ गई हाफ इक्वल्स टू रूट ऑफ 200 बाय ए माइनस ऑफ रूट ऑफ 2 into 81 divided by a। तो हाफ कॉमन लिया इनमें से, रूट टू ए कॉमन लिया तो रूट टू ए कॉमन लेने के बाद बाकी जो वैल्यू है 100, 10, 81, 9, तो यहाँ से ये वैल्यू हो गई, स्क्वायर किया 1/4 इक्वल्स टू 2/a, तो a की वैल्यू यहाँ से आ रही है 8 meter/s². थैंक यू।